तो फाइनली दोस्तों वन प्लस का 7T यहाँ पे लॉन्च हो गया है इंडिया में। साथ ही वन प्लस ने टीवी भी लॉन्च की है, जो कि इस वीडियो में उनके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, उनके बारे में दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें बात करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे वन प्लस 7T के बारे में बात करने वाला हूँ, और यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो आसुस के आरओजी फोन 2 के साथ करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूँ, नोट डाउन कर दूँ इस वीडियो में, कि यहाँ पे दोनों ही फोन सेम प्राइस पे लॉन्च हुए हैं, दोनों की ही स्पेक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इससे सिर्फ ये डिफ़ाइन होता है कि आपको कौन सा अपने हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। तो इस पे मतलब दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं, ना ही मैं वन प्लस की तारीफ़ कर रहा हूँ, ना ही आसूस की तारीफ़ कर रहा हूँ, और कह सकते हो कि दोनों की ही तारीफ़ कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पे आपको कौन सा चूज़ करना है। आपको मतलब ऐसा वन प्लस का ब्रांड ही सिर्फ चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एक अच्छे प्रोडक्ट की बात करूँ और अच्छी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो वो चीज़ आसुस में देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों हम लोग आते हैं सीधे दोनों ही फ़ोन्स पे और दोनों की स्पेक्स पे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोस्तों डिज़ाइन से। डिज़ाइन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दोनों ही में आपको ग्लास डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, मेटालिक फ्रेम देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे ना ही आसुस ने अपने फ़ोन में कोई कमी रखी है और ना ही वन प्लस में, तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में ग्लास डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, मेटालिक आपको फ्रेम देखने को मिल जाता है, फ्रंट से भी आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है और बैक से भी गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों हम लोग डिस्प्ले पे, डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आसुस डायरेक्टली विनर निकल करके आता है, बिकॉज यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रखा है, 6.59 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले यूज़ की है, एमोलेड इधर भी यूज़ की है वन प्लस में भी, तो यहाँ पे आपको लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और आसुस में जैसे कि मैंने बताया कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे एस्पेक्ट टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 80 कुछ करके निकल करके आता है, मतलब 80% के आसपास एस्पेक्ट टू बॉडी रेशियो है। और अगर हम वन प्लस की बात करें तो वहाँ पे 86.33 करके कुछ एस्पेक्ट टू बॉडी रेशियो निकल करके आता है। तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट टू बॉडी रेशियो हम बात करें तो यहाँ पे वन प्लस का ज़्यादा निकल करके आता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आसुस है उसने फ्रंट फायरिंग स्पीकर फ्रंट में यूज़ किए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो रेशियो है डिस्प्ले का वो कम आता है, इसी वजह से यहाँ पे वन प्लस में ज़्यादा आता है, बिकॉज जो वहाँ पे स्पीकर्स हैं वो नीचे के साइड में दे रखे हैं, तो ऑफकोर्स है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज़ है थोड़ा सा आपको या एस्पेक्ट टू बॉडी रेशियो है वो ज़्यादा देखने को मिल जाता है वन प्लस में। और दोनों ही फ़ोन में दोस्तों HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली विनर देखो आसुस से निकल करके आता है, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो पहली बार इंडिया में कोई फ़ोन ले करके आया है और वो आसुस लेकर के आए, तो यहाँ पे जो दोस्तों विनर है वो आसुस हो जाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर लगा हुआ है दोनों ही फ़ोन्स में, और यहाँ पे एड्रीनो का 640 GPU देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे खैर कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, दोनों में ही सेम प्रोसेसर है और सेम GPU पे वर्क कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आसुस का जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड पाई पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम वन प्लस की बात करें तो वो एंड्रॉयड 10 पे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे विनर आपका जो वन प्लस है वो हो जाता है। और अच्छी बात है कि दोस्तों कि ये पहला फ़ोन बन जाता है वन प्लस जो कि एंड्रॉयड 10 पे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स निकल करके आ रहा है, और ये पहला फ़ोन हो जाता है जो कि एंड्रॉयड 10 पे आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर हम दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन्स में कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विनर है वो वन प्लस का 7T निकल करके आएगा, और ये 110% में श्योर हूँ, बिकॉज अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यार यहाँ पे ट्रिपल सेटअप कैमरा यूज़ हो रहा है, और तीसरी बात ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रिपल सेटअप यूज़ हो रहा है, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो वन प्लस की थोड़ा ज़्यादा बेहतर होती है, तो मैं इस हिसाब से 110% श्योर हूँ कि यहाँ पे जो वन प्लस 7T है वो विनर होगा। और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे जो दूसरा कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल जो कि टेलीफोटो लेंस के लिए यूज़ होगा, और इसके बाद जो यहाँ पे तीसरा कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो ये जो तीनों सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही वन प्लस ने बोला है कि यहाँ पे जो आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है वहाँ से आप मैक्रो शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको मैक्रो शॉट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप थोड़ा मतलब जो मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं यहाँ पे आसुस के आरओजी फोन 2 की, तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल के साथ एक 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा यार विनर इधर ही निकल करके आएगा वन प्लस 7T। इधर भी कैमरा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसका कैमरा बेकार है, बट स्टिल अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हल्का पड़ जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं फिर फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे आसुस के आरओजी फोन 2 में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज़ किया गया है, और साथ ही अगर हम वन प्लस 7T की बात करें तो वहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे विनर जो है Asus का ROG फोन 2 हो जाता है। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं पे स्टोरेज की, तो दोनों ही फोन में 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिल रही है। UFS 3.0 के साथ दोनों में ही सेम, इसमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। और साथ ही यहाँ पे LPDDR4X के साथ रैम देखने को मिल रही है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, यहाँ पे कंपैरिजन ख़त्म ही हो जाता है। और एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब हाथ में फ़ोन होगा। और दूसरी बात ये कि रैम मैनेजमेंट कैसा है, सारी चीज़ें कैसी हैं, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ऑन पेपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। अब हम दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है आपको Asus के ROG फोन 2 में, और यहाँ पे आपको 3800 की बैटरी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि 30T वॉप चार्ज के नाम से इस बार OnePlus ने लॉन्च किया है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको 18 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो इसमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको चार्जर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब फास्ट चार्जर ज़्यादा देखने को मिल रहा। तो मैं कहूँगा यार, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए या फिर आपको मतलब जो चार्जर है वो अच्छा चाहिए, दोनों चीज़ें। हालांकि यहाँ पे अगर हम Asus ROG की बात करें तो यहाँ पे 30 वॉट के चार्ज को सपोर्ट करता है, तो अगर आप चार्जर अलग से ले लेते हो तो बड़े आराम से इसको चार्ज करके और मज़ा उठा सकते हो। यहाँ पे कैपेसिटी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको मतलब 3800 mAh की कैपेसिटी देखने को मिल रही है। दोनों ही फ़ोन दोस्तों टाइप सी पे आते हैं, 3.5mm का जैक आपको Asus के ROG फोन 2 में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम OnePlus 7T की बात करें तो वहाँ पे आपको कोई भी 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही फ़ोन डुअल सिम पे आते हैं, मतलब आप दोनों ही फ़ोन की अगर बात करो तो यहाँ पे दो सिम लगा सकते हो। दोनों ही फ़ोन में कोई भी डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो दोनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे काफ़ी अपग्रेड हो रही है। आपको बजट रेंज में भी जितने भी फ़ोन देखने को मिल रहे हैं वो धीरे धीरे करके इन डिस्प्ले की तरफ मूव हो रहे हैं। हालांकि ये दोनों फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पीकर्स की, तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीकर्स आपको लाउड देखने को मिल जाते हैं Asus के ROG फोन 2 में। यहाँ पे आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर आगे से देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, लेकिन अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ तो इसके स्पीकर ज़्यादा लाउड होंगे Asus के ROG फोन 2 के, इसके उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ें हैं जो कि Asus के ROG फोन 2 में देखने को आपको मिल रही हैं एक्स्ट्रा में। ये जो स्पेक्स थी वो मैंने जो कि बता दी आपको, OnePlus के 7T में ये सारे स्पेक्स देखने को मिल रही है, बट जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आपको Asus के ROG फोन 2 में देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये गेमिंग फ़ोन है तो इसलिए इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे OnePlus 70 में ऐसी चीज़ें मतलब देखने को नहीं मिल रही हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दोनों में ही नीचे से लगाने को देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम Asus के ROG फोन 2 की बात करें तो वहाँ पे जब आप गेम के लिए ऐसे फ़ोन पकड़ते हो तो साइड से आपको जो पोर्ट है वो लगाने को देखने को मिल जाता है। मतलब आप चार्ज जब करना चाहते हो तो साइड से भी कर सकते हो, फ़ोन के मिड में आपको जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ये एडिशनल चीज़ है जो कि आपको Asus के ROG फोन 2 में देखने को मिल रही है। और साथ ही यहाँ पे आपको क्वाड वाईफाई एंटीनास देखने को मिल रहे हैं, क्वाड माइक देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल Asus के ROG फोन 2 में देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, और हम डिस्प्ले की अगर बात करें तो वहाँ के जो रिफ्रेश रेट है वो भी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, दोनों की प्राइस सेम है 3799, तो मेरे हिसाब से जो विनर है यार वो Asus का ROG फोन 2 निकल करके आ जाता है। और यहाँ पे रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट है, सारे आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप सामने देख रहे हो, तो इस तरीके के आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। कोई कमी दोनों ही फोन्स में नहीं है, लेकिन जो विनर है वो यहाँ पे Asus का ROG फोन 2 निकल करके आता है। अब आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा लेना है, दोनों की प्राइसिंग सेम है, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि आप ब्रांड कॉन्शियस हो तो आप OnePlus 7T प्रीफर कर सकते हो, बट अगर मैं अपने हिसाब से अगर बात करूँ तो यहाँ पे Asus का ROG फ़ोन 2 लूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है यार वो, और जिस तरीके से उसको बनाया गया है, जिस स्पेक्स के साथ वो आता है, मैंने तो यहाँ पे पूरा डिफाइन भी नहीं किया Asus ROG फ़ोन 2 को, दो चार चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही था वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इसको शेयर ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, और हाँ जा करके सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो करना।